नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है कपल कपल वाला वाला रिएक्शन। रिएक्शन। गाइस, आज की वीडियो है एक्सपेडिशन पाकिस्तान चैनल से। एक्सपेडिशन पाकिस्तान। और वीडियो का नाम है भैरिया टाउन कराची ड्रोन स्ट्रीट व्यू। नवंबर 2020, मतलब एकदम लेटेस्ट है ये भारिया टाउन की। इसी नवंबर की। तो हमने ऑलरेडी पहले काफ़ी भारिया टाउन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और ये काफ़ी लेटेस्ट है। तो देखते हैं, जो हमने जो देखी थी लास्ट टाइम वो दो डेढ़ डेढ़ दो दो साल पुरानी थी और ये वीडियो बिल्कुल अभी नवंबर की चल रहा है, मतलब लेटेस्ट है। तो देखते हैं 2 सालों में कितना डेवलपमेंट हुई है भारिया टाउन में। तो स्टार्ट करते हैं। फोग नहीं है ये, पोल्यूशन ही है। जो यहाँ इससे बुरा हाल है दिल्ली में, इससे बहुत ज्यादा बुरा हाल है। सब कुछ प्लान है, एक 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 चीज, मतलब कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या सही मस्जिद लग रही है। और अभी काम चल रहा है इस पे, आसपास भी काम चल रहा है। ये ना बात, आईफिल टावर। फोगी फोगी लग रहा थोड़ा ना। ये देखो, ये सिमेट्री सिमेट्री उठा उठा के रखे हुए हैं, सिमेट्री टाइप। ये अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। सब सनलाइट कितनी सही लग रही है वहां से, रेड रेड जो आ रहा है। रोड भी है और उस तरफ भी रोड है। कमर्शियल है, ऑफिस ऑफिस होंगे इसमें। वन लग रहा है।
की शेप एक ही बना दी। जो है खाली छुट्टी हुई है वाली एक्सपेडिशन पाकिस्तान चैनल। कोई भी पाकिस्तान की कोई भी एरिया अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं ना ड्रोन के थ्रू, बहुत मज़ा आ जाता है देख करके। एक एक चीज़ इतनी साफ सुथरी होती है, वो तो खैर है ही पाकिस्तान में इतना क्लीन, बट ना उनके दिखाने का नज़रिया जो होता है ना बहुत मज़ा आ जाता है देख करके।
एक चीज अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। सही बात, बारिया टाउन कराची था ये। हाँ जी, डालो थोड़ा प्रकाश डालो। इसमें सब कुछ ही था, मतलब स्टेडियम, गोल्फ कोर्स हो गया, जू हो गया, एडवेंचर पार्क हो गया, मस्जिद हो गई, हाँ हाउसिंग सोसाइटी हो गई, अलग अलग तरह की हाउसिंग हो गई, सारे कमर्शियल बिल्डिंग हो गई हैं, और एक वो था जीना एवेन्यू रोड थी, वो इतनी सही लग रही थी ना ड्रोन से देखने में। और जीना एवेन्यू के ऊपर जो ब्रिज जा रहा था वो एवेन्यू ब्रिज का नाम दिया था, मे बी वो जीना एवेन्यू का ही था, वो भी इतना अच्छा लग रहा था। और अभी डेवलप्ड इतना अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, फुली डेवलप नहीं हुआ, फुली नहीं हुआ, मतलब ये विदाउट थोड़े से डेवलपमेंट में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। जब ये हो जाएगा डेवलप पूरा अच्छे से तो कितना मज़ेदार लगेगा। मतलब ये कि लास्ट टाइम से डेवलप हुआ है, जो लास्ट वीडियो देखी थी 2018 या मिड 18 की, तो उससे तो अब ज़्यादा डेवलप हुआ है, काफ़ी नई नई बिल्डिंगें बनी हैं और काफ़ी कुछ नया दिखा था, तो धीरे 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 ही डेवलप होगा, बट इसमें लगेगा टाइम जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है थोड़ा, क्योंकि अब कोरोना भी चाह गया तो स्पीड से थोड़ा ना, और बहुत ज़्यादा खाली स्पेस है, मतलब कि कह लो कि आपके पास जैसे ये होता है ना बिच्चापन जो होता है शहरों का, वो नहीं है, खुला स्पेस है, जैसे पार्किंग के लिए लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, है कोई रोएगा कोई लड़ेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, हमारी जगह ले ली, ये ले ली वो ली, तो जगह बहुत है, खुली जगह, पोर्टेबल एरिया, खुली जगह है, कहने का मतलब ये है। जैसे हम जो दिल्ली में रहते हैं, हमारा तो मतलब दिल्ली तो काफ़ी पुरानी सिटी है, तो जो जहाँ बस गया उस तरह से बस ही गया, तो छोटे छोटे से लोगों के घर हैं, हमारे भी छोटे ही है, तो बस आसपास सब कुछ थोड़ा कंजस्टेड टाइप सा है, कंजस्टेड है, हाँ। पॉश एरिया बहुत यूनिक इधर उधर होगा, बट उस पॉश एरिया के लिए ना फिर पैसे भी पॉश चाहिए, हाँ। तो यहाँ जो पॉश एरिया ना उसके मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, पैसे सुन के ही थोड़ा सा हिल ही जाते हैं, मतलब फ्लैट फ्लैट करोड़ों के मिलते हैं, आप घर तो छोड़ ही दो कि आपको जड़ से घर मिले या पूरा घर मिले, वो तो छोड़ दो, तो आपको एक सिंगल फ्लैट करोड़ों तक का मिलता है, सिंगल फ्लैट 2 BHK 3 BHK करोड़ों तक का मिलेगा, करोड़ों का। वाकई में भाई, गुड़गांव में हमारे बॉस ने लिया था, 18th फ्लोर पे लिया है, 3 करोड़ का, 18th फ्लोर, 3.75 करोड़ का, और क्या था वो 2 BHK 2+1, एक सर्वेंट का प्लस 2 BHK प्लस सर्विस उसका, सर्वेंट का, मतलब 3 करोड़ में आपके पास छत नहीं है और ग्राउंड एरिया भी नहीं, छत तो चलो कह जी 18वीं मंजिल पे यार, छत का क्या ही करोगे, 4वीं मंजिल बट फिर बट जो एक फील आती है ना सोसाइटी का फर्क पड़ता है एक तरह से ना, कि वो सोसाइटी बहुत हाई एंड सोसाइटी, अल्ट्रा सोसाइटी है, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। वो बैरियर टाउन की भी सोसाइटी कुछ अच्छी वाली है, अच्छे लेवल की है, ऑब्वियसली बहुत सही सही लोग होने वाले हैं यहाँ पर, पैसे वाले लोग होंगे जिसके पास पैसा हो जाएगा भाई, बिल्कुल, क्योंकि जगह तो मतलब देखो बहुत अच्छी जगह है, जैसा होता है ना क्या कि वह पैसा होता तो सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर तो तुम तक ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो सब पैसे के ऊपर ही है, और इतना अच्छा अगर आपको दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, आपको किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईफिल टावर देखना तो यहाँ देख लो, फैमिली आउटिंग करनी है तो चले जाओ, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और क्या चाहिए, गोल्फ खेलना है या कुछ भी करना हो, आप आराम से जाओ उसमें, और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाएगा आपका, हाँ सच में। बढ़िया यार, मेरे को तो मजा आ गया, मतलब बारिया टाउन को देख के जब भी देखता हूँ मेरा तो दिल खुश था हो जाता कि ऐसा यहाँ भी बनना चाहिए, इंडिया में भी बनना चाहिए ऐसा, इस लेवल का बनना चाहिए, हालांकि इंडिया में बहुत बनते हैं बट इतने बड़े लेवल का नहीं बनता कोई, छोटे छोटे से बन जाते हैं, मतलब जहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल हो, हाँ, जू वगैरह सब कुछ, एडवेंचर पार्क भी है, जू है, गोल्फ है, क्रिकेट है, और भी काफी कुछ है इन्होंने, चलो ड्रोन दिखाया है, अगर ये बाय रोड दिखाएं तो बहुत चीज दिखेंगी, मॉल्स वगैरह की भी होंगे ऑब्वियसली, हाँ हाँ बिल्कुल है, कुछ है तो इन्होंने तो ड्रोन से दिखाया ना, तो काफी चीजें मिस कर दी होगी ड्रोन में, बाय रोड अगर आप दिखाओगे ना तो बहुत कुछ पता लगेगा आपको, कहाँ क्या है क्या नहीं है ये चीजें, मजा आएगा, पर बाय रोड भी एक बार देखना चाहेंगे, रह तो नहीं सकते, देख के ही खुश हो जाओ
नहीं नहीं क्या बोलूँ, कभी ना कभी वो टाइम आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, टाइम का कोई पता नहीं होता कब टाइम बदल जाए, है ना, बस मेहनत करते जाओ सब से। तो ठीक है गाइस, आप एक्सपेडिशन पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।